हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू इसके इमेज डिजिटाइजेशन के। हम यहाँ पर इमेज जो डिजिटाइजेशन होता है उसकी विद रिस्पेक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपल सी मतलब है, क्रिएट करना है डिजिटल इमेज, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट कंटिन्यूस सेंस डाटा इंटू डिजिटल फॉर्म, मतलब कोई डिजिटल इमेज को कन्वर्ट, मतलब उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी इमेज को हमें क्या चाहिए होता है, कंटिन्यूस सेंस डाटा। मतलब एक कंटिन्यूस ऐसा कोई सेंसर हो जो उसको कन्वर्ट करते रहे कि इसमें डिजिटल फॉर्म में। और वो सेंसर क्या होता है, उस सेंसर का नाम है सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटाइजर भी कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को अगर हम एक ब्लॉक में अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं डिजिटाइजर, ठीक है। अब होता क्या है, सैम्पलिंग के अंदर डिजिटाइजिंग कोऑर्डिनेट वैल्यू, कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम डिजिटाइज करते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके हमने कोई कोई इमेज आई, ठीक है, तो उसको हमने चेंज कर दिया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं सैम्पलिंग। समझ में आया, एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में चेंज करने को हम सैम्पलिंग बोल रहे हैं। इसको आप माइंड में क्लियर कर लो। दूसरा बात आती है आपकी क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन मतलब होता है एम्पलीट्यूड, डिजिटाइजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, जीरो और वन, ठीक है, जीरो और वन में इसको चेंज करना, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड बोलते हो क्या, उसको जीरो और वन में चेंज करना, उसको एक सिग्नल के फॉर्म में चेंज करना, इसी को हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब बात आती है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट कंटिन्यूस इमेज एफ ब्रैकेट ओपन एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज इन टू डिजिटल फॉर्म, वी हैव सैम्पल फंक्शन इन बोथ कोऑर्डिनेट्स एंड एम्पलीट्यूड। बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमें कोई कंटिन्यूस इमेज है, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो वी हैव सैम्पल फंक्शन इन बोथ कोऑर्डिनेट एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमें एक सैम्पल फंक्शन लेना पड़ेगा दोनों कोऑर्डिनेट्स में, एक्स और वाई में और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि हमें सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो चेंज किस में होगा, डिजिटल इमेज में चेंज होगा, डिजिटल फॉर्म में चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है इस डेफिनेशन का, समझ आ रहा है। अब बात इतनी सी है कि इसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें 1D में चेंज होता है, 2D में चेंज होता है, वो किस तरीके से होता है वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप सर्च करोगे लेट्स लर्न विद अस 2D और 1D इन डिजिटाइजेशन, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। बट हम यहाँ पर सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की स्पेस से बात करें तो हम इसी पे टिक रहेंगे अपने पॉइंट पे। तो अब देखते हैं कि बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है, तभी आपको आपको जो माइंड में क्लियर होगा कि यार काम तो एक ही सही कर रहे हैं, तो हम दोनों को क्यों लिया, ठीक है। काम तो दोनों का यही है ना कि एक डिजिटल फॉर्म में चेंज करना, तो इतना क्या अंतर है कि हमने बिल्कुल अलग अलग वो सेपरेट है, ठीक है, उनके अंदर स्टेप में, तो हम एक उनके बीच में डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यार ये डिफरेंस है, अब डिफरेंस है क्या, तो पहले तो ये देखते हैं। पहला है सैम्पलिंग के अंदर डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट वैल्यू, जैसे हमने पहले बात करी, कोऑर्डिनेट वैल्यू को एक्स और वाई को हम डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम एक इमेज को हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम कह सकते हैं सैम्पलिंग। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि डिजिटाइजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट ये आता है सैम्पलिंग के अंदर कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बात करें, एक्स एक्सेस अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बात करें, तो वो डिस्क्रिटाइज होगा। डिस्क्रिटाइज मतलब वो बटा हुआ होगा, समझ में आ रहा है, मतलब एक कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, वो बटा होगा, मतलब जीरो और वन की फॉर्म में होगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस फॉर्म में। लेकिन अगर एक्स एक्सेस में है, ठीक है, टाइम, अगर क्वांटाइजेशन की बात करें, अगर क्वांटाइजेशन में एक्स एक्सेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वो कंटिन्यूस होगा। टाइम क्या होगा, एक्सिस एक्सिस में वो कंटिन्यूस होगा, लगातार एक ऐसी वैल्यू चलती रहेगी, तो ये इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये आता है कि सैम्पलिंग के अंदर अगर वाई एक्सिस है और एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, जो फ्लक्चुएशन होता है, तो फ्लक्चुएशन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लगातार होगा फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं कि बस एक बार हुआ फिर बंद हो गया, नहीं, वो लगातार फ्लक्चुएशन तो होता रहेगा। लेकिन वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड के उसमें वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है, एक बार होगा तो बंद हो जाएगा, फिर दूसरी बार होगा फिर बंद हो जाएगा, तो वो बिल्कुल डिस्क्रिटाइज फॉर्म में होगा, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा। चौथा पॉइंट ये आता है कि सैम्पलिंग बिफोर क्वांटाइजेशन प्रोसेस, सैम्पलिंग हमेशा पहले होती है, एस पहले आता है, क्यों बाद में आता है, मतलब सैम्पलिंग पहले आती है, क्वांटाइजेशन उसके बाद में आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने क्वांटाइजेशन पहले लगा दिया तो इमेज प्रोसेसिंग होगी ही नहीं, डिजिटल फॉर्म में वो चेंज होगा ही नहीं। अगर आपने सैम्पलिंग पीछे लगा दिया तो फिर भी नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से प्रोसेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है पांचवा पॉइंट, डिटरमाइन स्पार्टियल रेजोल्यूशन ऑफ डिजिटल इमेज, ठीक है। स्पार्टियल रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पार्टियल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना, किस में चेंज करना, मैट्रिक्स। अगर आपने कोई इमेज को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया,
उसी को हम कहते हैं स्पार्टन रेजोल्यूशन। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको एक मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए। मैट्रिक्स में कैसे, अभी हमने बात करी कि वो हम उसे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में चेंज कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंज करने का जो एक बिगर ऑब्जेक्टिव है, जो बिगर मकसद है, वो क्या है कि उसको हम किसी तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होगा कि हम जो पिक्सल्स हैं उनको और अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर पाएंगे, पिक्सल्स में उनको और अच्छे तरीके से फिट कर पाएंगे। पिक्सल होती क्या है, जो पिक्सल होती हैं वो एक मैट्रिक्स फॉर्म तो होती है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है आप समझ लो ना, मैट्रिक्स मतलब होता है एक जाला टाइप का, ये जाला जैसे समझ लो, इसमें हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है। तो इस जाले को ही हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, यही तो होता है पिक्सल, ठीक है। और अलग टाइप के होते हैं, कोई पॉइंट होता है मतलब कोई इतना छोटा सा होता है, कोई स्क्वायर शेप में होता है, तो टाइप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उस मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने में सैम्पलिंग वर्क करता है, डिटरमाइन करता है उसका स्पार्टन रेजोल्यूशन, मतलब उसको मैट्रिक्स फॉर्म और डिजिटल इमेज में सैम्पलिंग आपकी हेल्प करता है। एक्स एंड वाई एक्सिस का लेने का एक बिगर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उसको सैम्पलिंग में उसको हम सॉरी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके अंदर शैनन NYQUIST, ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इसको, तो ये इसके अंदर इस्तेमाल होता है। अब ये क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में मैं इसको बताऊँ तो ये एक प्रिंसिपल होता है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो सिंगल जो सिग्नल होती हैं, ठीक है, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए गाइडलाइंस होती हैं, ताकि वो एक्यूरेटली कैप्चर कर सके और रिकंस्ट्रक्टिंग कर सके किसकी, कंटीन्यूअस सिग्नल की डिस्क्रीट फॉर्म में। तो ये इसके एक सिंपल से डेफिनेशन है, ठीक है, इसके किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको देखना, तो आपको वो वीडियो भी अलग से मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में अगर मैं सबको समझाने लगा तो बहुत लंबी चली जाएगी, इस वीडियो में बस हम डिफरेंस बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वांटाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसके अपोजिट में, तो डिटरमाइन नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स इन डिजिटाइजेशन इमेज। ग्रे लेवल क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो आप ये भी वीडियो मैंने बना रखी सेपरेट, ग्रे लेवल क्या होता है, इनकी इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज होती है हमारे पास, उस वैल्यूज के अंदर हम ग्रे लेवल का मतलब हो गया कि ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट का कितना मिक्सचर है उसी को हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है क्या, ग्रे लेवल किसी भी डिजिटाइज इमेज में। अब ग्रे लेवल मतलब क्या, कुछ पिक्सल्स में, कुछ पिक्सल के अंदर कितना ग्रे लेवल है, कितना वाइट और ब्लैक का मिक्सचर है, या फिर कितना ब्लैक और वाइट है, उसी को डिटरमाइन करने के लिए क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया डिफरेंस, एक बार इसका लास्ट पास डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है, ताकि उसको एग्जाम में चेप सको, ठीक है। तो ये डायग्राम देख रहे होगे, ये एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से एनालॉग आ रहा है सैम्पलर और क्वांटाइजेशन, जो क्वांटाइजेशन है उसमें प्रोसेस हुई, एनालॉग से हमने जो डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ हमने उसको एक डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में 0 0 1 0 1 के फॉर्म में चेंज कर दिया। यही हमारा सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन डिफरेंसेस सब कुछ था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और दोस्त को शेयर करो यार, जिनको एग्जाम में इसकी हेल्प है उनको बहुत हेल्प होगी। बाकी यार ऐसी वीडियो में लेके आते रहते हैं, आपको प्लेलिस्ट में बतरी वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको नॉलेज इनहेंस होगा, ठीक है। कमेंट में लिखो कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में और आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।